हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में निबंध लिखना सिखाएंगे। किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किए थे कि मैम, आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में निबंध लिख कर दीजिए। तो चलिए, हम आपको डिमांड को रखते हुए सभी बच्चों को उनके बारे में बताते हैं। तो चलिए, हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई भी निबंध, अनुच्छेद लेखन या पत्र लेखन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं, मैं आपका डिमांड को रखने का पूरा कोशिश करूंगी। तो चलिए, हम आपको सिखाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 की तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक स्थान पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशी अम्मा था। अब्दुल कलाम सादा जीवन जीना पसंद करते थे। वह काम में इतना व्यस्त रहते थे कि वह सुबह जल्दी उठते और आधी रात तक काम करते थे। उन्हें किताबें पढ़ना और वीणा बजाना बहुत पसंद था। वे 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने थे। उन्हें मिसाइलों के खोज के कारण भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, यानी अब्दुल कलाम जी को भारत में मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर कलाम ने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी विभिन्न मिसाइलों का निर्माण किया। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म दिवस 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जुलाई 2002 ईस्वी को डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने खुले दिल से देश की सेवा की। अपने कार्यकाल के अंत में राष्ट्रपति कार्यालय छोड़ने के बाद डॉक्टर कलाम ने फिर से छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने देश भर में स्थित भारत के कई प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए काम किया। उन्होंने एक संदेश में कहा था कि उनके अनुसार देश के युवा बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए अवसर चाहिए। सही कहा उन्होंने कि हमारे देश के जो भी युवा है वो बहुत ही प्रतिभाशाली है, उनमें अनेक गुण भरे हुए हैं, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता को साबित करने के लिए मौका देना चाहिए, उनको अवसर चाहिए। सन 1997 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कलाम जी का 27 जुलाई 2015 ईस्वी में देहावसान हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
तो बच्चों, अगर आपको ये निबंध अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी निबंध या पत्र लेखन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपका डिमांड को रखने का पूरा पूरा कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।